नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर, बहुत ही डरावनी है ये चेतावनी। जी हाँ, नीति आयोग ने कहा कि भारत में ब्रिटेन जैसा संक्रमण फैला तो तीसरी लहर में रोजाना 14 लाख तक केस आ सकते हैं। जी हाँ, सावधानी ही ओमिक्रॉन से बचाएगी। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए गैर जरूरी यात्राओं और भीड़ जमा करने से बचे ओमिक्रॉन की पहचान के लिए हर सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करना संभव नहीं है। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में नीति आयोग के सदस्य वीके पाल ने चिंता जाहिर की है कि आने वाली तीसरी लहर में प्रतिदिन अगर 14 लाख केसेस आएंगे तो आप समझ सकते हैं हालात किस कदर होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते केस के लिए ओमिक्रॉन संक्रमण माना जा रहा है, लेकिन यह इसे लेकर अभी सारी बातें साफ नहीं हुई। इस पर रिसर्च जारी है और सरकार सभी नए डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए है। ऐसा कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन हल्का इंफेक्शन ही फैलाता है। उन्होंने यूरोप में ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार को हाईलाइट किया और भारत की आबादी से इसकी तुलना की, जिसमें बताया जा रहा है आने वाले समय में 14 लाख मामले प्रतिदिन निकल सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतें और इस बीमारी से